the moment I entered those stairs, I could only hear shouts, "Aja, idhar aja, idhar aja," and then I saw few men coming down. Or, मुझे देख के बोलते हैं, "ओ नया माल आया है." They come with a body language that so they have got the money and they can just pick up any girl and do anything to that girl. So, sex करते हो तो do you use condom? कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो And I was like दीदी कैसे सवाल कर रहे हो Hi everyone, um, I'm Gitanchli. Um, I'm here to share a story uh, of Delhi's red light area, which has changed my life. But before I start, I would really like to know how many of you have visited a brothel in your life? No one? How many of you have interacted with a sex worker? How many of you have watched Gangubai? सो फ्रॉम देअर वॉट ड्यू यू नो अबाउट अ ब्रॉथल कैसा दिखता होगा एक कोठा वेन आई फर्स्ट थाट अबाउट अ ब्रॉथल द ओनली इमेज विच कम्स टू माई माइंड लाल लाइट विद ओनर सिटिंग विद टोबैको इन हर माउथ एंड बहुत सारी लड़कियां हैं वहां पे और क्लाइंट्स आते हैं ओनर लड़कियों को चूज करती है और बताती है कि किस क्लाइंट के साथ किसको जाना है और क्लाइंट वापस आके ओनर को पैसे देते हैं और लड़की वापस से बैठ जाती है एंड द सिचुएशन इज़ वेरी डार्क और अगर हम गंगू भाई की बात करते हैं तो थोड़ा फ़ैंसी भी है uh, बहुत अलग अलग टाइप की लड़कियाँ कुछ कुछ कैम्पेंस भी कर रही होती हैं अंदर ही अंदर जिस तरीके से गंगू भाई ने किया आई ऑल्सो हैड अ सिमिलर इमेज ऑफ अ ब्रॉथसल बिफोर आई एक्चुअली वन देर सो माई स्टोरी स्टार्ट बाई लाइक इफ़ आई गो बैक अराउंड फिफ्टीन एटीन ईयर्स बैक Um, i was a very i was like i, I was a tomboy I, I have two elder brothers and very protective family uh, but itni protection ka fayda nahi huwa when that man abused me in my life i could not raise a voice i could not go and tell my brothers that boss isne mere aisa kuch kara and that pain is still inside me i still feel that why this happened with so many girls in our country and nobody even voice about it nobody has the courage to voice about it that pain was there forever inside me and i always connected with women who have been abused in their childhood or in their young young age also with that thing i uh, joined journalism honors i did my journalism honors from delhi university then i joined jamia's mass comm research center and from there i got a chance to go and spend two years of my life in a village in rajasthan my parents were very scared because meri life mein gaon kabhi nahi hua i'm born and brought up in delhi sab log grandparents everybody were in delhi so those two years uh, were really life changing for me मैं वहाँ पे गई तो एक बहुत ही रेवोल्यूशन ले आएंगे गाँव में हम सब कुछ बदल देंगे दो साल में तो हम दिल्ली के बच्चे एक पूरा गाँव की सिचुएशन चेंज कर देंगे बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज चेंज बहुत जल्दी नहीं आता है दिस इज़ वॉट आई रियलाइज इन द विलेज बट वॉट हैप्पन इन द विलेज फॉर दैट आई गॉट क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द यूनक कम्युनिटी सम हाउ आई हर्ड स्टोरीज अबाउट दैम आई हैड सम स्टोरीज इन माई माइंड विच माई मदर टोल्ड मी और उसी इंटेंशन से आई केम बैक टू डेली एंड जॉइन ना को बट वेन आई जॉइन ना को देर वॉज अ डिफरेंट प्लान बाई गॉड फोर मी इन ना को आई गॉट दिस प्रोजेक्ट ऑन जी बी रोड वेर आई वॉज आस्ट टू गो देर एंड मॉनिटर दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो पहली बार जब मैं कोठे में जाने वाली थी आई डेंट टेल एनी ऑफ माई माई फ्रेंड्स और एनी बडी इन माई फैमिली बिकॉज दे विल ईदर स्टॉप मी और दे विल जज मी सो आई वैन देर रिक्शा लिया रिक्शे वाले को मैंने बोला कि मुझे कोठा नंबर बावन सौ सत्रह के सामने एक ऑफिस है वहाँ जाना है एंड ये लुक डेट मी ऊपर से नीचे था और uh, मैं बैठी उसके रिक्शे में बहुत डरी हुई थी बिकॉज जी रोड के बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि वहाँ पे किडनैप हो जाते हैं वहाँ पे आपको कोई भी कैसे भी छू सकता है आपको पकड़ ले के लेके जा सकता है इट्स नॉट सेफ़ सो आई वेंट देयर एंड आई वेंट टू द ऑफिस और मैंने ऑफिस में जाके अपना काम करा और उनको बोला आई वुड लाइक टू गो इन द ब्रॉथल सो दे जैसे मैम अकेले तो आप नहीं जा सकते हो लाइक क्यों आई एम अ गांधी फेलो मैं गांव में दो साल रहकर आई हूँ तो कोठे में भी जा सकती हूँ मुझे जाने दो एंड लाइक नो सो दे सेंड फोर मैन विद मी देवेंट विद मी लाइक बॉडी गार्ड्स तो पहले मुझे लगा आई डोंट नीड एनी बॉडी टू प्रोटेक्ट मी आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ बट आई एम ग्लैड दे इवेंट विद मी सो हम लोग चल रहे हैं जी वी रोड पर एंड देयर लॉड ऑफ वीमेन डाउन टू दिस उनसे मैं बात करने की कोशिश करना भी चाहती थी बट समहाउ आई वज थोड़ी हिम्मत नहीं आ रही थी कि क्या बात करूँ Um, उन चार लोगों ने मुझे बोला मैम यहाँ से ऊपर चलते हैं सीढ़ियों में एंड आई द मोमेंट आई एंटर दो स्टेज आई कुड ओनली हियर शाउट्स आ जा इधर आ जा इधर आ जा एंड देन आई सॉ फ्यू मैन कमिंग डाउन और मुझे देख के बोलते हैं वो नया माल आया है एंड आई वॉज वेरी स्कैट कि मतलब मैं माल तो नहीं हूँ मैं तो एक ऑफिसर के उसमें आई हूँ सो आई वेंट अपल दीज व and they were wearing spaghetti and shorts in Delhi's winters. Um, and I just sat there. I was supposed to ask questions to them whether they are using condom, unka HIV ka kya status hai, STD ka kya status hai. But at that one hour, I was numb. Uh, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था I could only see that लड़के आ रहे हैं ऊपर आदमी आ रहे हैं कोई ड्रंक है कोई शायद बहुत दिनों से नहाया नहीं है किसी ने अल्कोहल मतलब कोई टोबैको लेकर आया है और दे कम विद द बॉडी लैंग्वेज दैट दे हैव गॉट द मनी एंड दे कैन जस्ट पिक अप एनी गर्ल एंड डू एनी थिंग टू दैट गर्ल एंड दे कम एंड द गर्ल्स ऑल्सो ट्राई टू सेड्यूस दैम कि मुझे लेके जाओ मुझे लेके जाओ एंड दे पिकअप वन गर्ल दे गो इन साइड

For the next four or five days I could not sleep. Maybe maybeno maybe Wahhi And then I convinced few of my friends because as a Naco officer, you cannot go in the brothel and do anything other than asking them about condoms or um, HIV. So I convinced few of my friends, ki, can we go in the evening to just meet these women? I just felt something was more uh, something more needed there. सो वी स्टार्टेड गोइंग इन दो ब्रॉथर्स एंड आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द वुमन बच्चों के साथ दोस्ती हुई औरतों के साथ दोस्ती हुई एंड देन वन आफ्टरनून आई वेंट देर एंड इट वॉज अ सरप्राइजिंग डे फॉर मी बिकॉज सारी औरतें बैठी हुई थी एंड दे वो लाइक आओ गीतांजलि आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट फाइनली दे आर वेलकमिंग मी बट देर सम अदर प्लान सो दे ऑल सराउंडड मी एंड दे सेड आज हम तुम्हारे से सवाल पूछेंगे तो कितने बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे एंड आई वॉज आई कु आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल तो सेक्स करते हो तो डू यू यूज कॉन्डम कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो एंड आई वॉज लाइक दीदी कैसे सवाल कर रहे हो तो शी सर तुम भी तो यही सवाल करते हो जब नाको वाले हमसे आते हो तो तुमने कभी हमसे इसके बियॉन्ड कुछ पूछा तुमने कभी पूछा दीदी आप कैसे हो आपके क्या सपने हैं आपके क्या शौक़ हैं आपके बच्चे क्या हैं आप यहाँ कैसे आए हैव एवर आस्ड एनी सच क्वेश्चन टू मी

One moment where I could just enter. So I started going the other day. Um, and then this just continued for a for few months. Then I got an opportunity in Agra and I shifted to Agra to work with Bill and Melinda Gates Foundation. I in Agra, but actually, Saturday Sunday I waited because I for in and I was go a to Delhi and go and So this happened for six, seven months. And I used to write it on Facebook also about my experiences. So I also got many volunteers. सो हम मेरे वॉल्टियर्स ने पाँचों दिन पढ़ाना शुरू करा कोठो के अंदर और सिक्स सेवन्थ डे पे मैंने जाके पढ़ाना शुरू करा एंड दैट्स हाउ दिस होल जर्नी बिगेन इट वॉज स्टार्टेड टेन ईयर्स बैक टुडे आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम देर वी रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल टास्क अगर हमें कोठे में बच जाके कोठे को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें उस कोठे की निटिग्रिटीज़ को समझना होगा वो औरत कहाँ से आ रही है वो औरत क्यों वहाँ पे आई है वो औरत वहाँ से भाग क्यों नहीं सकती है उसके ओनर्स उसको क्या बोल कर लेकर आते हैं ऑल दोज थिंग्स उसके बच्चों के क्या सपने हैं क्या वो औरत पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन ओनली यू कैन डू सम थिंग एंड देट्स वेन द जर्नी स्टार्टड एंड वी रजिस्टर्ड आर सेल्फ विद दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कटकथा कटकथा का मतलब है स्टोरी ऑफ पपेट्स कटपुतलियों की कथा और हमारा जो इंटेंशन है वो है टू एंड फोर सेक्स वर्क फ्रॉम दिस वर्ल्ड वी रियली विश टू सी दैट वन डे वेन नो विमेन एंड नो मैन एंड नो चाइल्ड इज फोर्स टू एंटर इन टू सेक्स ट्रेड सो मैन आई स्टार्टेड वर्किंग टेन ईयर्स बैक द जर्नी वॉज नॉट सिंपल इन द बिगिनिंग बहुत सारे बच्चे आने लग गए बहुत सारी औरतें भी आने लग गई एंड देन एक रात के दो बजे आई रिसिव्ड अ कॉल एंड दिस लेडी कॉलमियान शी सेट आपने हमारे साथ गलत किया आपने हमारी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी और पुलिस ने हमारे यहाँ रेड मार दी और हम तो आपके पास पढ़ने आते थे और आपने हमारे साथ क्या किया एंड आई वॉज शॉर्कड कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना ही मैं पुलिस को जानती भी हूँ सो दे सेट अगर आपने नहीं किया देन यू हैव टू कम ह्योर राइट नाव सो आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड माई मधर वॉज वेरी फ्यूरियस शी सेफ़ यू गो टूडे आई विल नॉट अलाउ यू टू कम बैक टू दिस हाउस बट उस टाइम पर मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा था कि सोनम को अरेस्ट कर लिया है एंड शी नीड्स मी सो वेंट अड इन द पुलिस स्टेशन एंड आई सॉ सोनम इन ब्लाउज इन पेटी कोट एंड शी वॉज एडमेंट एंड शाउटिंग कि तुमने मेरी साड़ी फाड़ दी है अब मैं बिना साड़ी के जाऊँगी अगर गीतांजलि मैडम को बुला दोगे तो मैं उनसे बात करके साड़ी पहनूंगी नहीं तो ऐसे ही मुझे कोर्ट में लेके जाओ रात के तीन बजे ही लड़ाई हो रही है वहाँ पे एंड आई वैन देर एंड आई स्पोक टू द एस एच ओ एंड द एस एच ओ आज मी आप कौन हो um, और मैं तो कोई भी नहीं हूँ मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ बाईस तेईस साल की विथ सम पीपल जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई सेट मैं गीतांजलि हूँ एंड आई सेट हु गीतांजलि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हो एंड दैट दे आई रियलाइज दैट इन आर कंट्री वी रियली नीड अ रजिस्ट्रेशन नंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो द नेक्स्ट मॉर्निंग आई रजिस्टर्ड कट कथा एंड फ्रॉम देन पीपल स्टार्टड कमिंग इन मैंटर्स एड कमिंग इन थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर कमिंग इन And they started creating projects and programs. And then the whole journey from there started. Now, Katkatha is working in all the 77 brothels of GB Road. We are covering all the women. We have livelihood projects on GB Road. We have a school for children, where one batch of 35 children have already gone out. They're not into sex trade anymore. The girls are not into sex trade anymore. The boys are not the owners of the brothel. Rather, they're working in some government company or some school or some college, and one of them is actually into uh, running his own dance studio. Like he's working on a dance studio. Um, so yeah, this has been a journey. And today I am. We are very happy because six months back we launched our home. Uh, we call it a dream village in Noida.

So that was a question which was there for the na last seven to eight years in our head and today we have launched a dream village in noida it's a beautiful space um I welcome you all to come there um and also uh, for us uh, GB Road is a home is a home where so many mothers live it's a home um and we always say that GB Road don't 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 acknowledge or recognize GB Road as a red light area, but it's a street of love. So, we invite all of you to come there in those brothels, spend time with the women. And uh, yeah, thank you so much. Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. Nari sa shakti karan par ye pankhya hamare dil ko josh aur himmat se bhar deti hai. ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी Josh Talks पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने C.S. करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.